बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में लोकतंत्र सेनानी सेवा संस्थान के सदस्यों ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य था कि सेनानियों को मिलने वाली सम्मान राशि अगर प्रदेश सरकार नहीं बढ़ाती है तो आंदोलन की रणनीति तैयार किया जाएगा। सम्मान राशि को बढ़ाए जाने पर मंत्री बृजेश पाठक ने सम्मान राशि को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया, जिसे प्रमुख सचिव ने स्वीकार कर लिया है। उसी को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे और उत्तर प्रदेश के अपने 5,700 सेनानियों के साथ लखनऊ में धरना देंगे। बैठक में अध्यक्ष छेदी लाल यादव, राधेश्याम प्रधान, राजकिशोर मिश्रा सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सेवा संस्थान के महामंत्री जितेंद्र राय ने कहा, मित्रों, प्रदेश भर के सभी कार्य समिति के लोगों का 31 मई फैजाबाद, बांदा, उन्नाव, हरदोई, बहराइच लगे हम लोगों का और वित्त विभाग के यहाँ भेज दिया। वित्त विभाग 2 तारीख को राज्यपाल ने हमको समय दिया है, राजभवन से फोन आया था। 14 जून को हम लोग जाएंगे, फिर राज्यपाल से मिलेंगे और वो कराइए जो लोकतंत्र जिंदा है, जाके पैर न फटे बेवाई, ऊ का जाने पीर पर आए आपके पैर। तब ट्रेन नहीं थी, जहाज नहीं थी, बस नहीं था, पैदल लोग जाते थे। जानते हैं क्यों होता था? जब राजा सन्यासी होता था तो जनता में त्याग की भावना पैदा होती थी, जनता में दूसरे के लिए कुछ करने की भावना पैदा होती थी कि हमारा राजा जब सन्यासी हो गया जंगलों में रहेगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जनता में भी त्याग की भावना आती थी कि कुछ लेकर यहाँ से ऊपर जाना नहीं है। माँ मर गई, सरदार रावत का बेटा मर गया, राम प्रसाद जी की बीबी मर गई, अब्दुल रऊफ लारी की पत्नी मर गई। यह लोकतंत्र सेनानी जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ सड़कों पर आ गए थे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कि देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, इंदिरा गांधी आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, और इंदिरा गांधी लाखों की तादाद में गैर कांग्रेसी लोगों को, जिसमें जय गुरुदेव के लोग थे, जिसमें आरएसएस के लोग थे, जिसमें लोक दल के लोग थे, कम्युनिस्ट के लोग थे, सारे दल के लोग बंद कर दिए गए थे। मैं भी उसमें बंद था, छात्र नेता के रूप में। 21 साल मेरी उम्र थी, करीब सबकी इसी उम्र थी, और 19 महीना तक कड़े संघर्ष के बाद जेल में हड़ताल हुई, लड़ने के बाद आपातकाल खत्म हुआ। 77 में इंदिरा जी ने चुनाव करा दिया, इंदिरा गांधी बाप महतारी बेटा दोनों लोग चुनाव हार गए, प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीती और देश में मुरारजी देसाई के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी। 2006 में मुलायम सिंह यादव ने एक पीड़ा महसूस की जब उनको एक व्यक्ति ने बताया कि अरे मुलायम सिंह, उसी सेनानियों के संघर्ष के बदौलत आप मुख्यमंत्री हुए हैं और वो सेनानी अपने पेट के पालने के लिए रिक्शा चलाते हैं, गाजीपुर में ब्रजकिशोर सिंह रिक्शा चलाता है, तब पता होता है। तो मुलायम सिंह को बहुत बहुत बधाई कि 2006 में हम लोगों को लोकतंत्र सेनानी घोषित किए और पहले 1,000 ना पहले 500 रुपया की सम्मान राशि दिए, बसों में चलने की सुविधा दिए और दवा दिए। उनका बेटा जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री फिर हुआ तो 500 से बढ़ा करके 3,000, 6,000, 9,000 और आज 15,000 किया। आज की बैठक है, हमारे पेंशन मंत्री ब्रजेश पाठक ने हम लोगों के सम्मान राशि 15,000 से बढ़ाकर 20,000 किया था, जिसको प्रमुख सचिव ने मान लिया है कि वो बढ़ाने में उनको बड़ी परेशानी हो रही है। उस संबंध में हम लोग बैठक कर रहे हैं और यदि वो इधर नहीं मानेंगे तो हम प्रदेश भर में जो हमारे 5,700 सेनानी हैं उनका एक बड़ा सम्मेलन कराएंगे और धरना देंगे लखनऊ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र राय है, मैं उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सेवा संस्थान का महामंत्री हूँ।